दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुजम्मिल और मैं आज से अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है मेरा नज़रिया। बेसिकली इस सीरीज में जो हम सोसाइटी में मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो देखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इसी चीज़ को लेके जो कि सोसाइटी में बहुत आम है और लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे हमारी इस सीरीज़ में डेली या जैसे भी एक हम एपिसोड उस पर अपलोड किया करेंगे। सो आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक टर्म है जो कि एक रेयरली यूज टर्म है, सेल्फ मेड। ठीक है, जैसे आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा जो कि मतलब कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसके बाद अपने उस सक्सेस को, उस बड़े आदमी बनने को एक नाम दे रहे होते हैं सेल्फ मेड का। अब सेल्फ मेड क्या कोई शख्स होता है? सेल्फ मेड का बेसिकली क्या एक मकसद क्या है? तो सेल्फ मेड का मकसद ये होता है कि जो इंसान सक्सेसफुल हुआ उसकी ज़िंदगी में वो उसने जो भी चीज़ हासिल करी वो अपने अकेले बलबूते पर हासिल की। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि बिल्कुल एक शख्स निकला और अकेले ही उसने सब चीज़ों को मुंह दिया और वो आखिर में सक्सेसफुल हो गया हो? तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में जो है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी शख्स की जो है इंटरफेरेंस होती है, जिस वजह से वो एक शख्स जो सक्सेसफुल बनता है वो सक्सेसफुल होता है। पीछे चाहे वो फैमिली की सपोर्ट हो, चाहे वो दोस्तों का साथ हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी से मिली हुई अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो इन सब चीज़ों को जब इन सब चीज़ों का निचोड़ बनता है तब जाके एक शख्स जो है वो सक्सेसफुल होता है। और उसके बाद आप ये सोचें कि वो एक उस चीज़ को नाम दे दे कि आई एम सेल्फ मेड, तो क्या ये उसकी नाइंसाफ़ी नहीं होगी अपने उन सोसाइटी की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और उन दोस्तों के साथ और उन फैमिली मेंबर्स के साथ? तो ये चीज़ है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ एक बहुत ही कोई वाहियात टर्म है जो यूज़ होती है, सेल्फ मेड। और आजकल छोटे छोटे बच्चे इसको कह रहे हैं सेल्फ मेड, सेल्फ मेड, सेल्फ मेड, तो भाई मेरे सेल्फ मेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ने आपको कुछ सपोर्ट किया है, तब जाके आप ये खड़े हो। आपको जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी उतनी ज़िंदगी मेरे ख्याल से आपकी अच्छी गुजर जाएगी। ठीक है, सो ये था एक छोटा सा एक लुब्बे लुबाब जो इस वर्ड का पोस्टमार्टम करने का था, मकसद वो सिर्फ यही था, इसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं करनी थी। बस ये था कि यार सेल्फ मेड ना कहो आप, कम से कम जिन लोगों ने आपको कभी ना कभी जाके किसी भी तरीके से सपोर्ट किया उनको आप अप्रिशिएट लाजमी करें। सो वेल, इंशाल्लाह आप ये चीज़ समझेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगेगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज़, ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।